वेलकम बैक टू दिमाग न्यू व्लॉग। आज का जो ये व्लॉग है भाई, शुरू करते हैं हम यहीं से। सीन ये भाई दिन जो है यार, दिन नहीं रात है भाई, क्योंकि यार आज फुल मेहनत करके मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यस भाई, क्योंकि जो मैंने काम करा है ना, जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहे हैं, वो है ये शाबाश बेटा। तो भाई अब ये सीन है कि भाई लेवल हो गया है कि चलो भाई कोई नहीं। तो अभी मैंने बनाया है फुल आला सा बकरे का गार्डन, कह लो कुछ भी कह लो, बकरे के आगे का एरिया कह लो, मुझे नहीं पता भाई क्या कहूँ, बस एक अच्छे से बनाया। लेकिन उसका है भाई अब ये काम हो गया, कल या परसों में पौधों की सफाई करनी है फुल, क्योंकि इतने दिनों से यार सफाई नहीं हुई है। बारी बारी बाहर का चमकता था क्योंकि खड्डे वड्डे भी हो रहे, इसलिए पौधों की सफाई कर फुल जितने ख़राब हो रहे हैं जो है, मतलब उनको काट पीट कर पत्ते हटा कर सफाई कर फुल उनके सही। और ये है सीन भाई, और थोड़ा सी गड्ढा भी करना है पौधे के पास, क्योंकि ना पानी नहीं ठहरता, तो इसलिए जड़ों तक पानी नहीं जाता, इसलिए ख़राब भी हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यही वजह है। तो ये भी करूँगा भाई, खाद भी डालनी है थोड़ी सी। लेकिन अब सीन ये हो गया कि दादा ने जो है मेरे, मैंने अब्बू के पास थी खाद, अब्बू से मतलब जो मेरे दादा हैं उन्होंने अब्बू के, तो भाई उन्हें मैंने उनसे मैंने मांगी खाद के भाई खाद ले लें। अब वो मुझसे नाराज़ हुए, मैं वो नाराज़ ही हुए भाई, क्योंकि भाई मैंने उनके पौधे नहीं लगाए। हाँ भाई, दादा के ना मतलब जो पौधे थे ना, उन्होंने बोला कि तुम नीचे लगा लो, तो इसलिए मैंने वो लगाए नहीं, क्योंकि मेरे पेपर चले थे और अभी मैं ये वाला काम करना लग गया। अब्बू ने बोला कि तुम ये वाला काम करो, मेरा काम नहीं करे, तो इसलिए वो खाद नहीं दे रहे। अब मैं लगाऊंगा तो खाद देंगे, इसलिए वो भी लगाने फिर खाद लूँगा, फिर करना पड़ेगा। बताओ ये वाला काम भी बढ़िया है यार। तो चलो कोई नहीं, और ये सीन है फटाफट से तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं क्या सीन है। तो यार ये सीन है भाई, तो फटाफट से चलते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये ट्यूशन से आई ये बंदा, तो चलो। ओ गाइस, सीन ये कि भाई हमदान और मैंने मेहनत कर ऐसा बना दिया भाई हेल्पर के तौर पर, क्योंकि कीले वीले तो ये नहीं ठोक सकता था, और बहुत से कह रहे हैं कि तुमने नहीं बनाया भाई। ये देख रहे हो ज़मीनों पर ये लकड़ी के टुकड़े, और ये सारे खड्डे देख लो सही, और ये आप देख लो सारा कुछ ऑयल जो मैंने पाँव पे लगाया ताकि दीमक ना रहे सही। ये देखो कीले पड़ी हुई देख लो भाई, ये देखो सारा कुछ मैंने कुछ साफ नहीं करा है, तो लोग लग रहा है भाई ये मैं खुद बनाया यार। ये देखो सारी फांसे पड़ी हुई है, ये देखो ये बांसों के टुकड़े, ये देखो ये सारी कीले पड़ी हुई है सही, ये सारे बांसों के पत्थर के टुकड़े, ये देख रहे हो सारा कुछ गड्ढे शड्ढे। हाँ तो अब आ गया उसे दिखाने का वक्त, ये देखो बांस ये भी रहे सही। तो और वो कह रहे छीले कैसे तुमने पाया भाई, मैंने बुग्गा रख कर उसके बीच में हथौड़ी मार मार कर छीले हैं भाई बहुत मेहनत से। तो वो दिखाने का वक्त आ गया, आइज क्लोज। हेलो मैम, भाई साहब बताओ बताओ कैसा बना। हाँ वो तो बिगाड़ ही लग रहा है मुझे कसम, देख रहे हो। अच्छा दिखाता हूँ भाई, देखो है सीन ये, मैं तुम लोगों को ऐसे दिखाऊँ तो देखो, ये जो है ना मैंने थोड़ी सी जगह बढ़ाई, मैं सोचा सीधा ले लूँ, वो छोटा सा बनता है ना, यहाँ मैंने एक इसकी जगह बढ़ाई यहाँ से, फिर यहाँ से लेकर एक मैंने बनाई ये पूरा यहाँ तक, ये तो ऐसे लगा दिए सही यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरी क्या कहते हैं यहाँ तक लगाया, और ये आने जाने का रास्ता हो गया सही, और ये गेट मैंने बनाया है। बहुत मारूंगा मैं उनमें, क्या ये फालतू की चीज़, हटाओ यार हटाओ सामान, अच्छा लग रहा है हटाओ, ये भी हटाओ, ये बकरे के ऊपर रखते हैं। तो भाई वो दादा आ रहे थे तो उनसे बात कर रहा था। तो अभी हाँ भाई ये सीन है, यहाँ से देखो ना आपकी, यहाँ से मैंने एंट्रेंस छोड़ी है, गाइड नहीं गेट नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ, तो ये सीन है भाई देखो, यहाँ से या तो गेट लगाएंगे आप कैसे लोगों को देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ से मैंने देखो फुल इस तरह से यहाँ से एंट्रेंस है, आए अंदर से देख सकते हो, ये देखो इस तरह का सीन है भाई फुल, देखो इस तरह से ये रहा मुतू भाई। हमारे बकरे का जो नाम है ना, हमारे बकरे का नाम है अब्दुल किली। हाँ भाई अब्दुल किली नाम है ना भाई, अब्दुल किली तुम्हारा नाम क्या है? देखो माशाल्लाह साफ सुथरा हो रहा है, और देख रहे हैं यहाँ फुल गड्ढे कर कर मैंने, देखो ये यहाँ तक तुम लोगों को गीला गीला सा लग रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये फुल यहाँ मैंने ये कितना तेल लगा कर रखा है ताकि मतलब तेल लगा कर फिर वो करा है, क्योंकि भाई दिमाग ना लगे समझ रहे। और ये देखो ये तो ऐसी है छोड़ सही, तो इस तरह से फुल बनाया है, देख सकते हो यहाँ से मैंने इसका फ्रंट दिए, बैक साइड इसकी ऐसी है, क्योंकि भाई यहाँ और फुल देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है, लुक बताओ भाई लुक बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, देखो
कैसा बताओ भाई, क्या लुके मेरे भाई, क्या लुके। तो भाई यार ये सीन है भाई, तो ये फुल दिख रही थी कितना प्यारा लग रहा है। और बस यहाँ के अब मैं सफाई करनी है, देख रहे हो कंकर है सारे पाँव में, ये देखो सारा कुछ क्या बोलूँ, फुल गड्ढे भी भरेंगे, सीमेंट वीमेंट करेंगे, ये देखो गड्ढा हुआ और आधे 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 अंदर है भाई थोड़े से, तो ये सीन है। और ये देखो भाई बाहर का, ये देखो यार इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना अच्छा निकल रहा था ये भी यार, और पपीते का भी थोड़ा सही नहीं हो रहा, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा निकल रहा है। यही मेरी पसंद का सबसे अच्छा पौधा था जो मैंने खुद लिया था। और ये तुलसी का ये देखो, बाकी यहाँ पर पौधे वौधे भी लगाएंगे दादा का, मैंने बताया दादा ने बोला था। ये देखो एरोवेला, छोटे छोटे से एरोवेला भी है सही। और फिर बाकी तुलसी नहीं पता नहीं कौन सा ये। और ये रहा भाई नीम, तो ऐसे इनकी भी सफाई कर साफ उतरे कर, और फिर क्या कहते हैं वो करना है हमने पूरा का पूरा, इसकी भी सफाई करनी है पूरे फ्रेश की। देख रहे हो कितना गंदा हुई है, सारी गंदगी हो रही है हर जगह, सही तो सब कुछ करना है। तो यही सीन है भाई। तो यार खीर बनी थी और वो मैंने तुम लोगों को दिखाई नहीं, अब तो खाली होता नहीं भाई, तो चलो खीर बनी थी यही सीन। तो भाई सीन ये है कि बताओ भाई बाहर का कैसा लगा, और भाई बड़े दिन के बाद जैसी बात करने का मौका मिला है मुझसे, ये तुम लोगों से बड़ी ढेर सारी बातें करनी है। बात ये है यार कि सबसे पहले यार तुम लोगों ने तो धमाल भाई धमाल, कमाल शमाल नमाल कमाल फमार खमार नहर हुरार परार शरार मरार हजार माशा आराम महाराज तरक पदारो तुमाराज आधा राधा बड़ाश तारा महाराज तरक तेरा बश्ता मरा आधो उरला बड़ाश तारा मनाश्ता उतारास्ता बड़ाश्ता पड़ोश्ता तबड़श्ता तड़ोश्ता पड़श्ता मनोश्ता अयश्ता वड़श्ता मनोश्ता। नहीं बताऊंगा तुम लोग तो भाई क्या हो गया भाई, इतना पीछे पड़ गए कि सरप्राइज बता दो लेकिन नहीं भाई नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा भाई। देखो मेरा बात यह है वो सरप्राइज तुम लोग को मिल ही नहीं सकता अट्ठाईस से पहले, अगर मैं बता भी दूँ ना तो मज़ा नहीं है, जो सरप्राइज का मज़ा है ना वो सरप्राइज में ही है। 28 तारीख में सिर्फ अब 13 दिन ही दूर है, 15 तारीख है आज, 13 दिन और इंसान करो इंतज़ार करो, मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है 28 तारीख में, बस वो सरप्राइज़ है ना यार, क्या करूँ मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, तो बस उसी वक्त बताऊँगा लेवल का सीन हो जाएगा जब बताऊँगा। 28 तारीख ना इस देखो कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आपको ना याद रहती हैं, मुझे एक तरह से मुझे लगता है कि 28 तारीख बहुत यादगार है सही, 28 तारीख को बहुत काम हुए हमारे, मतलब कि एक तरह से 28 को इस वाली सही मेरे पेपर भी है वो सरप्राइज़ भी है, और इंशाल्लाह 28 तारीख को मेरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा जिस लेवल से मैं चल रहा हूँ सही। तो ये सीन है भाई, क्या बताऊँ क्या बात है, 28 लेवल दिन हो गया भाई 28 तारीख, तो भाई 28 को तो भाई सारे काम हो रहे हैं भाई लेवल है, तो 28 ऐसी एक वो बन गया है भाई कि होता है ना यार मैं क्या बताऊँ खास टाइप का डेट, चलो इस साल की यही एक हो गई कि बिल्कुल 28 ही कह जा रहा हूँ मैं हर बार, मेरे पेपर भी 28 को स्टार्ट है मेरे, और बस यार यही सीन है। पहला पेपर इस्लामियत का है, मैं तो भाई अपना पूरा टेबल याद कर लेता हूँ, पहला इस्लामियत का है, दूसरा कंप्यूटर का है, तीसरा कंप्यूटर का और किसके हैं पेपर ना, पहला इस्लामियत कंप्यूटर, फिर है ये आपका SST, फिर साइंस, फिर सिंधी, और फिर मैथ के बाद इंग्लिश एंड उर्दू, बस ये सीन है भाई, पूरे हैं 8 पेपर, 2.5 हफ्ते चलेंगे, चलो कोई नहीं भाई, तो लेवल का सीन है भाई। तो इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं एंड, छोटे से व्लॉग है, क्या करूँ भाई काम में लगा हुआ हूँ ना, कल पौधों को करना है, देखते हैं भाई, तो यही सीन है। तो अल्लाह साढ़े भाई बस अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, इधर उधर सबको ख्याल रखो, नहीं इस हाथ से सॉरी इस हाथ से।